नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर महीने आपके लिए वीडियो देखे आते हैं कि इस महीने में कौन सी सब्जी लगाएं, तो अभी फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। ये जो महीना है बहुत ज्यादा सुटेबल होता है, आप बहुत सारे क्रॉप को इस महीने में लगा सकते हैं। 25-30 ऐसे क्रॉप हैं जिनकी खेती इस महीने में कर सकते हैं। गर्मी आते आते आप उनकी हार्वेस्टिंग आप शुरू भी कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, मैं आपको कुछ ऐसे वेजिटेबल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी खेती आप अभी कर सकते हैं। जो भी किसान भाई के पास छोटे पैमाने पे खेत हैं, आप 1-2 एकड़ में अपनी सब्जी लगाना चाहते हैं, तो आप इंटरक्रॉपिंग की मदद से भी आप कम जगह में अच्छे खासे पैदावार ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो लोग भी इंटरक्रॉपिंग की मदद से खेती करना चाहते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा समय है। आप कम जगहों पे 2-3 क्रॉप एक साथ उगा के उनकी सेम टाइम पे ही हार्वेस्टिंग भी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ग्रुप वाइज बताऊंगा कि इस ग्रुप में ये सब्जी लगाएं और आपको कितने दिन में तैयार हो जाएंगी, उससे कौन सी बेस्ट वैरायटी है उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो पहला ग्रुप ए में जो सबसे पहली आपकी वेजिटेबल है, आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने के लिए आपको अपने क्लाइमेट के अनुसार काफी अच्छे वैरायटी की बीज लानी पड़ती है। अगर हम इंडिया में बात करें तो सबसे बेस्ट वैरायटी जो काफी ज्यादा क्लाइमेट में सुटेबल मानी जाती है, SVOK001, ये सेमेनिस की हाइब्रिड वैरायटी में आती है, तो आप इसका चयन कर सकते हैं। और अगर आपको अधिक पैदावार लेनी है तो आपको प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस भी काफी सही तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर आप रो में काफी लंबी रो बना रहे हैं तो आप 1 फीट का डिस्टेंस रख सकते हैं और प्लांट टू प्लांट भी आप 1 फीट का भी डिस्टेंस रख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप ए में सेकेंड नंबर का जो वेजिटेबल क्रॉप है आपका तरबूज। तरबूज भी आपकी 60 दिन में 70 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आप अभी इसकी प्लांटिंग करेंगे तो गर्मी आते आते आपकी फसल तैयार हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। और इसकी डिमांड गर्मियों में काफी ज्यादा रहती है, घरों में डेली यूजेस के लिए, जूस वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि इसमें वाटर की मात्रा काफी ज्यादा रहती है और डेली हाइड्रेटेड रहने के लिए बहुत ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं इसको। और बाजारों में आप देखेंगे तो उस समय पे कलिंगड़ की काफी ज्यादा डिमांड भी बढ़ जाती है। तो अगर आप अभी खेती करते हैं, इसकी प्लांटिंग वगैरह काफी अच्छी करते हैं, वैरायटी अच्छी लाते हैं, तो आप गर्मी के महीने में काफी बड़े पैमाने पे इसकी पैदावार करके आप मार्केट में इसको सेल भी कर सकते हैं। तो अगर अधिक पैदावार लेने के लिए आपको इसमें भी प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस काफी मैटर करता है। तो अगर आप जमीन पे ही इसको अगर प्लांट करते हैं तो आप एक प्लांट के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस रख सकते हैं। अगर आप रो में भी लगा रहे हैं तो आप उस रो के बीच में भी आप 3 फीट का डिस्टेंस रख सकते हैं। जितना जगह ज्यादा दूर तक फैलेगा उतनी अच्छी पैदावार ये देता है। उसके बाद ग्रुप ए में 3 और फसलें हैं जो अभी आप लगा सकते हैं, खरबूज, खीरा और ककड़ी। ये भी आपको उतना ही समय लेते हैं जितना तरबूज के तैयार होने में, तो इसकी भी डिमांड गर्मियों में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी किसान भाई छोटे पैमाने पे खेती करते हैं, अगर आपको 3-4 बार हार्वेस्टिंग करनी है और या फिर बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, बड़े लेवल पे सेल करना चाहते हैं, तो अभी आप इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। बाजार से अच्छी किस्म का बीज लाइए और उसी हिसाब से आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, जो भी क्लाइमेट आपके यहाँ है, जैसा भी इन्वायरमेंट है आपके यहाँ, उसी हिसाब के आप अच्छी वैरायटी की बीज लाइए। और बीज, जितने भी बीज वाले प्लांट आप लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान में रखिए कि बीज की जो है बीज प्रक्रिया करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि बीज हमारे अच्छे हैं कि नहीं, उसी हिसाब से आपको पैदावार भी मिलता है। अब बात करेंगे किसान भाई ग्रुप बी में, इसमें भी 3 सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप है आपके, टमाटर, बैंगन और मिर्च। तो ये सारे क्रॉप की भी डिमांड हर महीने रहती है। अगर आप समय के विपरीत लगाते हैं तो आप अच्छा खासा प्राइस ले सकते हैं। तो किसी भी क्रॉप की डिमांड कब ज्यादा बढ़ जाती है, जब उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है कम होती है। तो अगर आप विपरीत मौसम में खेती करेंगे, उस समय पे उतनी ज्यादा मार्केट में टमाटर आए नहीं रहे होंगे, अगर आप केवल उसके इकलौते विक्रेता होंगे तो आप मुंह मांगे कीमत वहां से ले सकते हैं। तो बहुत सारे किसान भाई हैं ग्रीन हाउस वगैरह लगा के इसके विपरीत इन्वायरमेंट में इसको उगाते हैं और मार्केट में तो अपने मुंह मांगे कीमत पे इसको बेचते भी हैं। तो ये काफी ज्यादा पैसे आपको दिला सकती है ये क्रॉप। तो आप टोमेटो की खेती करने जा रहे हैं तो आपको अगर नर्सरी लगानी है तो आप अभी नर्सरी आप लगा सकते हैं इसकी। उसके लिए आपको वैरायटी से जो सबसे अच्छे वैरायटी के बीज होंगे उसको लाने पड़ेंगे। तो ये सारे क्रॉप की आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं इस समय पे। तो चाहे बैंगन लगाना चाहते हो या फिर मिर्च की खेती करना चाहते हो, तो आप सभी की अभी आप
फरवरी की शुरुआत में ही आप इसकी नर्सरी लगा दीजिए और 30 से 40 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। उसी हिसाब से आप इसकी प्लांटिंग भी कर सकते हैं। मिर्च की खेती तो 12 महीने होती है। मिर्च में आप शिमला मिर्च या फिर जो आपकी तीखी मिर्च होती है, इन दोनों में से कोई भी खेती कर सकते हैं। दोनों की डिमांड काफी अच्छी रहती है और दोनों की प्राइस भी काफी अच्छा मिल जाता है आपको। टोमेटो में अगर आप वैरायटी लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट वैरायटी जो मानी जाती है सभी क्लाइमेट के लिए सुटेबल होती है सेमिनस की अभिलाष जो वैरायटी आती है, उसको आप मार्केट से ला के लगा सकते हैं। उसके अलावा किसान में अगर आपको मिर्च की खेती में काफी अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप इसमें 1 फीट का डिस्टेंस रख सकते हैं प्लांट टू प्लांट और रो टू रो में लगा रहे हैं तो एक रो से दूसरे रो के बीच की दूरी भी आप 1 फीट ले सकते हैं। उसी प्रकार से बैगन की भी अगर आप खेती कर रहे हैं, इसके पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो आप पास पास न रखिए, इसमें आप 60 सेंटीमीटर का गैप रख सकते हैं प्लांट टू प्लांट, और रो में अगर आप लगा रहे हैं तो रो के बीच का डिस्टेंस जो है आप 50 सेंटीमीटर रख सकते हैं। उसके बाद ग्रुप बी में आपकी 2 क्रॉप और आती है, आपकी फूल गोभी और पत्ता गोभी। ये क्रॉप आपने देखा होगा कि ठंडी शुरुआत होने से पहले बहुत सारे किसान भाई लगाए थे, अभी उनकी हार्वेस्टिंग भी चल रही होगी। तो अभी भी अगर आप खेती करना चाहते हैं तो ध्यान में रखिए जिस एरिया में आप रह रहे हैं, गर्मी में अगर आपके यहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, 42 से ऊपर चला जाता है, तो इसके प्लांट के लिए सुटेबल नहीं होता है। थोड़ा सा ठंडा नॉर्मल टेम्परेचर ही चाहिए होता है गोभी के लिए। तो अगर आपके उस एरिया में हैं तो अभी आप नर्सरी भी लगा सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप इसकी प्लांटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अच्छी वैरायटी की बीज भी लानी पड़ेगी। अगर किसान भाई आपको नहीं पता है बिल्कुल भी कौन सी वैरायटी कौन से क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो आप भारत एग्री के कृषि डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कॉल के माध्यम से उनसे आप पूछ लीजिए कि मैं इस वैरायटी को लगाना चाहता हूँ, इस क्रॉप को, इसकी अच्छी वैरायटी कौन सी है, तो वो आपको कॉल पे ही बता देंगे। ठीक है, उसके बाद किसान भाइयों आगे बढ़ते हैं ग्रुप सी की तरफ। ग्रुप सी में आप 3 फसलों का चयन कर सकते हैं। ये फसलें नकदी फसलों में आती हैं, आपकी धनिया हो गया, मेथी हो गया और पालक, इनकी भी हार्वेस्टिंग आप 1 महीने के अंदर कर सकते हैं। अगर आप अच्छी किस्म की बीज लाके लगाते हैं तो आप 1 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग आप शुरू कर सकते हैं, इसलिए इसको नकदी फसलें माना जाता है कि आप बहुत जल्दी लगा के अब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी क्रॉप अगर आप बीज के माध्यम से लगा रहे हैं तो उस बीज की सीड ट्रीटमेंट, बीज प्रक्रिया करना बहुत जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे ग्रुप डी में। ग्रुप डी के लिए कुछ गर्मी वाली फसलें होती हैं, जैसे आप करेला, नैनुआ और परवल जैसी फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फसलें गर्मियों में काफी ज्यादा इनकी डिमांड रहती है, तो अगर आप अभी खेती करेंगे तो इनको भी तैयार होने में 70 से 80 दिन लग जाते हैं, उस समय भी आप इसको बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाई ये थे 4 ग्रुप, इनमें इनके अंदर जो भी मैंने फसलें आपको बताई हैं आप बिना चिंता किए इनकी खेती कर सकते हैं। बस आपको अच्छे वैरायटी के बीज लानी है और आपको थोड़ी बहुत देखभाल करनी है, अच्छी खासी पैदावार इसकी ले सकते हैं। अगर आप इनको इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से लगाना चाहते हैं, कम जगहों में ज्यादा पैदावार लेना चाहते हैं, तो आप इंटरक्रॉपिंग का जो मेथड है उसे अपना सकते हैं। जिनके पास कम खेती है तो आपको कम जगहों पे 2-3 क्रॉप एक साथ में लगाइए जो कि एक साथ हार्वेस्टिंग वाले होते हैं, जैसे कि आपके टमाटर, मिर्च और बैंगन। ये थोड़ी सी महंगी खर्च देने वाली फसलें होती हैं, आपको इसको देखभाल के लिए थोड़े से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर आप इंटरक्रॉपिंग में इसको लगाते हैं तो आप एक साथ इन्हें हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है, तो आपके लिए जरूर से वीडियो बनाई जाएगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।